काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। देखें शुएब अख्तर के बाद एक ये वाले बॉलर आए हैं, आए भी ये देखें इंडिया कश्मीर से हैं और काफ़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं, 150 प्लस बॉल कर रहे हैं। नहीं वैसे तो उसे पाकिस्तान में आना चाहिए था, इंडिया में तो जाना ही फजूल है उसे। अच्छा। तो नहीं बाकी हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, हम तो यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान में आए। अगर उसको अंडर प्रेशर रखेंगे तो हो सकता है कि वो अपने आप को यूटिलाइज उस तरह ना कर पाए, लेकिन आई होप कि इंडियन क्रिकेट टीम अपनी चीज लोगों को पॉलिश करती है तो उसको भी पॉलिश करेगी तो वो और नरिशमेंट। हेलो गाइस, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं आपका होस्ट औसाफ अली खान। IPL सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट दुनिया का और सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। हर बार IPL में बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, बहुत से क्रिकेटर प्रोड्यूस होते हैं। इस बार की IPL की प्रोडक्ट है उमरान मलिक, 150 प्लस बॉल करते हैं और 145 प्लस उनकी एवरेज पेस रही पूरे IPL में। एक बहुत बड़ी फास्ट बॉलिंग की दुनिया में एक नई प्रोडक्ट आई है। पाकिस्तानी अवाम उस पर क्या कहना चाहे, पाकिस्तानी अवाम उन पर क्या रिएक्शन रखते हैं, उनकी सिलेक्शन हो गई है इंडियन क्रिकेट टीम में और उनका ताल्लुक है कश्मीर से, आइए जानते हैं उमरान मलिक पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। इंडियन क्रिकेट टीम में एक कश्मीरी फास्ट बॉलर जो 150 प्लस स्पीड से, इतनी स्पीड से बॉल करता है, पहली बहुत कम देखने में आता है इंडिया की टीम में कोई ऐसा बॉलर आए, तो कश्मीर से एक फास्ट बॉलर आया है, क्या कहना चाहेंगे, उसे इंडियन टीम में सेलेक्ट कर लिया गया? नहीं वैसे तो उसे पाकिस्तान में आना चाहिए था, इंडिया में तो जाना ही फजूल है उसे। तो नहीं बाकी हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, हम तो यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान में आए, इंडिया में क्या करना है उसने, इंडिया में रहते हैं, इंडिया उनका कंट्री है तो इसीलिए उनकी टीम में भी सिलेक्ट हुए हैं, उनमें टैलेंट था, बड़ी तेज बॉल करते हैं वो। नहीं बस अब उसका अपना माइंड है, हम तो नहीं कह सकते, हम तो यही राय दे सकते हैं कि वो अगर पाकिस्तान में आ जाए तो वेल एंड गुड, मगर बाकी उसकी अपनी मर्जी है। आपका मैडम कहना चाह रही है कि इमरान मलिक को इंडियन टीम छोड़ के पाकिस्तानी टीम में आ जाना चाहिए, उनका ज़्यादा स्कोप होगा, आप क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान में आना चाहिए। जो कश्मीरी फास्ट बॉलर सेलेक्ट हुआ, आपको लगता है कश्मीर में ऐसा और भी टैलेंट होगा? हो सकता है, मेरे में हो सकता है, उनमें भी होगा। वो इनका कहना है कि मेरे में टैलेंट है तो कश्मीरियों में भी टैलेंट हो सकता है। काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, देखें शुएब अख्तर के बाद एक ये वाले बॉलर आए हैं, आए भी ये देखें इंडिया कश्मीर से हैं और काफ़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं, 150 प्लस बॉल कर रहे हैं ये, और इंडिया कश्मीर से देखें अगर वहाँ उन्हें सपोर्ट मिलेगी तो ऐसे वहाँ से अच्छे अच्छे बॉलर आएंगे वहाँ। आपका कहना है कि इंडिया में कश्मीर में टैलेंट है, अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी और वहाँ पे ज़रा चांस दिया जाए, ट्रायल्स वगैरह लिए जाए तो वहाँ से इंशाल्लाह इस तरह अच्छे बॉलर आएंगे। और क्या उसे कहते हैं, अगर इंडिया से वो खेल रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना क्या उसे कहते हैं हम जैसे खिलवाते हैं PCL में, PSL जो हो रहा है इसमें भी उन्हें फिर मौका दिया जाता है, जिस तरह वो आते हैं। काफ़ी अच्छा बॉलर है, आपने देखी है उनकी बॉलिंग? यह मैंने देखी है उनकी बॉलिंग, लेकिन ये है कि अच्छी शुएब अख्तर की तरह खेलते हैं लाइक। अच्छा, वो उनको इंडियन टीम में सेलेक्ट कर लिया गया, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, आपको लगता है कि कश्मीर में इतना टैलेंट है और भी तलाश किया जा सकता है, और पाकिस्तान के भी फास्ट बॉलर ज़्यादातर किसी जगह भी हो सकता है? अच्छा। वो कोई भी जगह हो, टैलेंट में की कौन सी बात है। अच्छा। तो उमरान मलिक की बॉलिंग में आपको क्या चीज़ इम्प्रेसिव लगी? अच्छा है लाइक, अभी आगे देखेंगे क्या करता है। तो आपको कितनी उम्मीद है इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया वो? अभी देखते हैं क्या करता है, अभी तो मैंने फर्स्ट जस्ट एक मैच देखा है उनका लाइक, एक दफ़ा बॉलिंग देखी। इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो शुएब अख्तर उसको भी पीछे छोड़ने जा रहा है। अब जहाँ तक अगर वो प्रैक्टिस करते ने तो इंडियन टीम के पास एक बहुत बड़ी, वो कहते हैं पावरफुल एक खिलाड़ी आ गया, कि काफ़ी टीमों में उनको आगे जब भी PSL खेलेंगे, मतलब जो भी मतलब मैचेस खेलते हैं उनमें काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उसकी वजह से इंडिया का काफ़ी नाम रोशन हो सकता है। आपने उनकी बॉलिंग देखी, आपको बजाते खुद कैसे लगे हैं? बजाते ठीक लगे हैं, काफ़ी अच्छे लगे हैं, शुएब अख्तर साहब जैसे लगे हैं, ऐसे लगे जैसे शुएब अख्तर आ गया उनके पास भी एक जी। अच्छा, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके पास शुएब अख्तर आ गया। उमरान मलिक का कश्मीर से ताल्लुक है, आपको क्या लगता है कश्मीर में ऐसा और भी टैलेंट मौजूद होगा? देखिए कि कोई भी मुल्क है ना, हर मुल्क में कोई ना कोई, मैं तो मुल्क तो दूर की बात, हर कोई इलाका हर कोई गली में आज के ना कोई टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसको प्रमोट करना, उसको देखने वाला कोई पाकिस्तानी देखिए, ये बड़ी एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि इनके पेसर्स का यही मसला रहा है कि इनके ये पेसर्स से ज़्यादातर वो 120-125 KPS से ज़्यादा बॉल नहीं करवा पाते थे, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार हो गया, कोई एक आधा ही उनका आया था जैसे कि बुमराह जो 140 प्लस करवाता, वरना तो कोई नहीं अब तक देखने में आया था। तो नो डाउट IPL में इसकी परफॉर्मेंस काबिल देखने वाली थी, वो काफ़ी उसने इम्पैक्ट डाला है। तो इमरान मलिक है वो, वैसे उनका कश्मीर से ताल्लुक है
और इंडियन टीम में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया अगले टूर के लिए, क्या कहना चाहेंगे? 140 प्लस बॉल करते हैं जी। जी बिल्कुल, और 140 प्लस के अलावा उनकी लाइन एंड लेंथ ही बहुत अच्छी है, बॉल को बहुत अच्छा मूव भी बहुत करते हैं, तो ये नो डाउट बहुत अच्छी एक सिलेक्शन है, फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अगर उसको और पॉलिश किया जाए। मैं मैच देखा नहीं आईपीएल ना, मुझे शौक है आईपीएल देखने उनका, पता है इमरान मलिक का? इमरान मलिक का पता है क्योंकि उन्होंने जो लास्ट जो फेंकी थी 154 मेरे ख्याल से फेंकी थी स्पीड पे, 150 प्लस वो बॉलिंग कर रहे हैं आईपीएल, आईपीएल में कर रहे थे, देखे थे मैंने उनकी, क्योंकि अभी इंडिया की टीम में सेलेक्ट हो गए तो देखते हैं फिर। कश्मीर से उनका ताल्लुक है और कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और सनराइजर हैदराबाद से खेल रहे हैं, और वाहिद इंडिया में अभी कोई ऐसा पेसर आया जो पाकिस्तान में जैसे मामूल आते रहते हैं, इंडिया में अब आया है तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे इंडिया में बैट्समैन आते रहते हैं, पाकिस्तान में कम आते हैं, बाबर आजम आ गया, तो वैसे उधर फास्ट बॉलर आया उमरान मलिक, क्या कहना चाहेंगे? कंपटीशन पे अच्छा लगेगा अगर इंडिया के साथ अगर लगा, अगर मैच वगैरह वर्ल्ड कप T20 आ रहा है, वैसे भी वर्ल्ड कप आ रहा है आगे, तो चले देख लेंगे, उनको भी देख लेंगे, क्योंकि बाबर आजम तो वर्ल्ड क्लास जा रहे हैं अभी, टैलेंट हो सकता है और फास्ट बॉलर ऐसे और भी आ सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे उमरान मलिक को, कोई मैसेज देंगे? नहीं, उसे यही है कि अगर वो पाकिस्तान आके खेले तो ज़्यादा अच्छी बात है, वैसे उसकी मर्जी है, जिधर मर्जी खेले, हम उसे नहीं क्या कह सकते। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इधर आ जाओ। नहीं, बेस्ट विशेज है मेरी उनके लिए, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, तो मैसेज देंगे उन्हें उमरान मलिक? बस बेस्ट विशेज है उनके लिए मेरी। और उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह अच्छा रहेगा उनका फ्यूचर, ब्राइट है उनका फ्यूचर, जिस तरह की वो बॉल कर रहे हैं 150 प्लस बॉल कर रहे हैं तो बेस्ट है उनके लिए, जिस तरह अच्छा खेले और ये कह सकता हूँ मैं, बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। हाँ जी, बेस्ट ऑफ लक। मैसेज क्या देना चाहें उनको? पहली तो मैसेज तो यही, अगर आज़ाद कश्मीर के ऊपर मुझे बताइए कि मुस्लिम है ना इमरान मलिक मुस्लिम है, तो भी उनको अगर आज़ा के वो क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं उनको कश्मीर के ऊपर भी बात करनी चाहिए, कि कश्मीर के ऊपर जो उनके साथ मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है जो इंडियन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी उनको वो आला सतह पर के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर उसको अंडर प्रेशर रखेंगे तो हो सकता है कि वो अपने आप को यूटिलाइज उस तरह ना कर पाए, लेकिन आई होप कि इंडियन क्रिकेट टीम अपनी चीज लोगों को पॉलिश करती है तो इसको भी पॉलिश करेगी तो वो और नरिशमेंट करेगी। अच्छा, अगर कश्मीर में ये निकले हैं कश्मीर से तो और भी कश्मीर में ऐसा रॉ मटेरियल हो सकता है, ऐसा टैलेंट हो सकता है अगर इंडिया कोशिश करे कश्मीर के हालात को स्टेबल करने में? जी जी बिल्कुल, हमारे भी अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएँ तो बहुत टैलेंट है, हमारे शाहीन शाह हैं वो नॉर्दर्न एरियाज हैं, शादाब खान है वो भी नॉर्दर्न एरियाज है, तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज नेगलेक्टेड है लेकिन वहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे जितने फास्ट बॉलर अगर हम देखें या तो लाहौर से पंजाब से निकलते हैं या वहाँ से निकलते हैं नॉर्दर्न एरिया से, पिशावर गिलगित हैबर एजेंसी वाली साइड से, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसी है, असल में हमारे यहाँ एक जुनून है क्रिकेट का, पैशन है, तो इसीलिए जाहिर है, तो उसके अलावा हमारे एक वैसे हमारा ये लैंड है, ये लैंड ऑफ प्लेसेस कहलाया जाता है, तो किसी वजह से इसीलिए कहलाया जाता है क्योंकि यहाँ हमारे बॉलर्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इमरान मलिक के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस ये इसके लिए कहूँगा कि इसको अपने आप को पॉलिश करे, रादर देन ये कि वो अगर एक स्टार बन जाए तो प्राउड होने के बजाय अपने आप को मजीद पॉलिश करे ताकि वो एक ब्रांड बने। वो तो अभी इंडिया पता नहीं, अभी दो तो इंडिया है, एक तो जम्मू कश्मीर, तो दो तो कश्मीर, एक जम्मू कश्मीर और एक वो इंडियन कश्मीर से, जाहिर सी बात है वहाँ से इमरान मलिक निकले होंगे, फिर ऑल द बेस्ट बोल सकता हूँ मैं उनको, तो यही तरफ से आप इंप्रेस्ड हुए उनकी बॉलिंग? हाँ, उनकी मैंने मैच देखे थे एक दो, बस मैंने तो उधर इंस्टा से देखा था उनको बस, बाकी का मुझे नहीं पता अभी। ठीक है जी। हाँ गाइस, तो आपने देखा क्रिकेट लवर, क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान की आवाम उमरान मलिक को अप्रिशिएट करती नजर आई। उनका कहना था कि एक बड़े अरसे बाद एक बड़ी अच्छी पेस में बॉलिंग करने वाले इंडियन क्रिकेट टीम में कोई आया और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला बहुत मुकाबलेदार, बहुत तगड़ा होगा, बहुत हेल्थी कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि उनकी टीम में भी एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर आ गए, एक बुमराह पहले अकेले थे लेकिन अब उमरान मलिक का ऐड हो जाना इंडियन बॉलिंग लाइनअप में बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा पाकिस्तानी आवाम का, पाकिस्तानी शायकीन का ये कहना था। मजीद किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट औसाफ अली खान को इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।